फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश बोलने की, यह लेसन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन अंडर के बारे में, और हम सीखेंगे कि आप किस कंडीशन में प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अंडर का सही इस्तेमाल देखें। फ्रेंड्स, अंडर का इस्तेमाल के नीचे यानी स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है। द कैट इज अंडर द ट्री, यानी बिल्ली पेड़ के नीचे है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने के नीचे के लिए अंडर का इस्तेमाल किया, जहाँ किसी स्थान का बोध कराया गया, यानी किसी प्लेस की बात की गई। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पानी ब्रिज के नीचे बहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने के नीचे के लिए अंडर का इस्तेमाल किया, हमारा सेंस किसी स्थान का बोध कराना था। से कम, लेस देन या यंगर देन के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। दीज चिल्ड्रन आर अंडर 10, ये बच्चे 10 साल से कम हैं, यानी इनकी उम्र 10 साल से कम है। इफ यू आर अंडर 18, अगर आप 18 वर्ष के अंदर हैं, इफ यू आर अंडर 18, अगर आप 18 वर्ष से कम हैं, यू कांट ज्वाइन द जॉब, तो आप इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि से कम के लिए अंडर का इस्तेमाल किया गया, जहाँ ये बताया गया कि लेस देन या यंगर देन। आइए फ्रेंड्स, अब अगला इस्तेमाल देखें। फ्रेंड्स, के पद के नीचे लोअर इन रैंक देन समबडी के सेंस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 वर्कर्स अंडर मी, मेरे पद के नीचे 20 वर्कर्स का एक स्टाफ है, यानी मेरे पद के नीचे 20 लोग काम करते हैं। हाउ मेनी पीपल वर्क अंडर यू, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम्हारे पद के नीचे कितने लोग काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडर का यूज समझ में आया, कि अंडर का इस्तेमाल के नीचे स्थान का बोध कराने के लिए, से कम यानी लेस देन या यंगर देन, लोअर इन रैंक देन समबडी के सेंस में करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अंडर का अगला इस्तेमाल देखें। दशा यानी कंडीशन के सेंस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज की दशा दिखाने के लिए, यानी कंडीशन दिखाने के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिज केस इज अंडर कंसिडरेशन, उसका केस अभी विचारधीन है, अभी कंसिडर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि मैंने अंडर का इस्तेमाल किसी चीज की दशा बताने के लिए किया, कि उसका केस का दशा ये है, यानी कंडीशन ये है कि वह अभी कंसिडरेशन है, यानी अभी उसमें बातचीत चल रही है या सोच विचार किया जा रहा है। दिस बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग्स अभी निर्माण के अधीन है, यानी ये बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने किसी चीज की कंडीशन बताने के लिए यानी दशा बताने के लिए अंडर का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि इस बिल्डिंग की ये कंडीशन है या दशा है कि वह अभी बना नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अंडर का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।